हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको 10 सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताएंगे। पैसिव बनाने से पहले हम सभी लोगों को फॉर्म ऑफ द वर्ब की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जो हमारे वर्ब होते हैं इनकी जितने भी फॉर्म होते हैं इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। इसके 5 फॉर्म होते हैं। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। जो हमारी मुख्य क्रिया होती है इसके 5 फॉर्म होते हैं। जैसे V1 में गो, V2 में बेंट, V3 में गॉन, V4 में गोइंग और V5 में गोज। जो हमारी मुख्य क्रिया होती है इसके 5 फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4, V5। इसका ज्ञान आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद टेंस के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस की सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है और किस सहायक क्रिया के साथ कौन से वर्ब का फॉर्म यूज होता है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टेंस की पहचान करते हैं। टेंस की पहचान करने के बाद सेंटेंस की पहचान करते हैं। तो सेंटेंस का ज्ञान होना, टेंस का ज्ञान होना और वर्ब का ज्ञान होना पैसिव के लिए आवश्यक है। जैसे पहला सेंटेंस है, डू यू लाफ एट हिम। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए पहला काम है कि हम टेंस की पहचान करें। पहला काम है हमारा टेंस की पहचान करें और उसके बाद दूसरा काम हमारा है सेंटेंस की पहचान करें। तो पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पर एक सहायक क्रिया है डू। डू और डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। उसके बाद दूसरा काम है हमारा सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो तरीके के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। जब सेंटेंस की शुरुआत में ही कोई सहायक क्रिया आ जाए तो उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर WH वर्ड आता है तो उसे हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में एक सहायक क्रिया है डू। अब टेंस का भी ज्ञान हो गया हमें। टेंस को भी हम पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस को भी पहचान लिए कि यह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर का यूज होता है। अब पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सहायक क्रिया डू है,
यू के अनुसार यहाँ पे डू आया है, लेकिन पैसिव वॉइस में डू और डस का यूज नहीं होता है। पैसिव वॉइस के लिए हम इज एम आर का यूज करेंगे। तो पहला नियम हमारा है कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, और हिम को जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही बनेगा। तो ही के अनुसार हम सबसे पहले यहाँ पे सहायक क्रिया लिखेंगे इज। जैसे यहाँ डू यू था वैसे यहाँ पे इज ही हो गया, डू के स्थान पे इज हो गया, यू के स्थान पे ही हो गया। अब हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्रिया हमारे यहाँ पे लाफ और इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है एट, जिसका अर्थ होता है लाफ। एट मीन्स होता है हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे लाफ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाफ्ड, लाफ्ड एट हो गया। अब हम आगे बाय लिखेंगे। अब बाय का यूज करने के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का यू था, इसको हम पैसिव वॉइस में बाय के बाद लिखेंगे। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम होता है, और वाक के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से दिए हुए सेंटेंस की पैसिव बनेगी इज ही लाफ्ड एट बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब हम दूसरे सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे। सेंटेंस हमारा है द बॉय विल नॉट किल द कैट। हमने आपको बताया कि पैसिव बनाने के लिए टेंस और सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। तो टेंस की पहचान हमने कर लिया। यह टेंस हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है, क्योंकि विल और शैल का यूज फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में होता है, और उसकी पैसिव बनाने के लिए हम लोग विल बी शैल बी का यूज करते हैं। सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव है, या इंट्रोगेटिव था पहला, दूसरा हमारा असर्टिव है, वाक या हमारा नकारात्मक है, नेगेटिव सेंस में है। तो पहला नियम हमारा क्या है पैसिव बनाने का, कि वाक के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ए वाक का ऑब्जेक्ट हमारा है द कैट, वर्ब के बाद ही आया हुआ वर्ड हमारा जो है, वर्ब के बाद आया हुआ वर्ड हमारा जो है ऑब्जेक्ट होता है। अभी ऑब्जेक्ट हमारा द कैट है, द कैट को हम द बॉय के स्थान पर लिखेंगे, मीन सब्जेक्ट के रूप में द कैट हो गया। अब हमको पैसिव की सहायक क्रिया यूज करना है। हमने आपको बताया कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की पैसिव वाली सहायक क्रिया विल बी शैल बी होता है। तो द कैट हमारा थर्ड पर्सन है, सो यूज ऑफ विल बी, सॉरी वाक नेगेटिव है तो पहले हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद इसमें बी एड करेंगे तो हो जाएगा विल नॉट बी। क्रिया हमारा यहाँ पे किल है, किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। किल्ड का यूज करने के बाद हम यहाँ पे बाय लिखेंगे। अब बाय का यूज करने के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था द बॉय, इसको हम बाय के बाद लिख देंगे। द बॉय और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से दूसरे सेंटेंस की पैसिव होगी द कैट विल नॉट बी किल्ड बाय द बॉय। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन डिड ही बीट यू क्वेश्चन मार्क। पहला काम टेंस की पहचान करें। तो टेंस की पहचान हो गई, यह पास्ट इनडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे एक सहायक क्रिया है डिड। डिड का यूज पास्ट इनडेफिनिट में होता है। अभी पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो इसकी पैसिव की सहायक क्रिया वाज और वर होता है। सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज और वर का यूज करेंगे। सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वर। और सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच फैमिली से हुआ है। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव के लिए अगर हम पैसिव बनाना तो यहाँ पे जो भी डब्ल्यू एच ऑर्डर आएगा हु को छोड़कर उसे हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ पे व्हेन आएगा तो व्हेन लिखेंगे, व्हाट आएगा तो व्हाट लिखेंगे, हाउ आएगा तो हाउ लिखेंगे। इस तरीके से जो भी डब्ल्यू एच ऑर्डर यहाँ पे होगा उसको हम लिखेंगे। व्हेन हो गया।
अब यहाँ पे डिड सहायक क्रिया ही के अनुसार, अब ये एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया, लेकिन हमें पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया यूज करना वाज और वर में से किसी एक का। तो पहले ऑब्जेक्ट को हम निकालेंगे यहाँ से। ऑब्जेक्ट हमारा यू है और यू हमारा एक प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन है। सो यूज ऑफ वर विद प्रोनाउन यू, यहाँ पे वर का यूज करेंगे प्रोनाउन यू के लिए, व्हेन वर यू हो गया। अब यहाँ पे बीट है, बीट जो है मीन्स होता है पीटना, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हो जाएगा बीटेन। फिर बाइल लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो ही था, यहाँ पे हम ही का ऑब्जेक्टिव केज लिखेंगे हिम, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से तीसरे सेंटेंस की पैसिव होगी, व्हेन वर यू बीटेन बाय हिम। अगला सेंटेंस हमारा है, द हंटर शॉट द टाइगर। अब इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, तो हमने आपको बताया है कि जब सेंटेंस में सहायक क्रिया ना हो तो दो ही टेंस हो सकते हैं। अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है तो दो ही टेंस हो सकते हैं, या तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि टेंस तो 12 होते हैं, लेकिन जब सहायक क्रिया ना हो तो दो ही टेंस हमारे हो सकते हैं, वो तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा, दो में से कोई एक होगा। अब हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट? तो अगर वी टू लिखा है, सेंटेंस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म आया हुआ है, तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, यह हमारा वी टू है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म है। अब से हम पहचान कर लिए कि दिया गया सेंटेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। जैसे तीसरा सेंटेंस था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट था। अब चूंकि यहाँ पे डिड था, वाक सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव में था, तो यहाँ पे सहायक क्रिया आई थी, तो हमने इसकी पहचान तो कर लिया डिड से। बट क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्रिया से पहचान करना है। तो ये वी टू है, तो वी टू है तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। सेंटेंस हमारा असर्टिव है। अब यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो द टाइगर है, हम इसको लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। द टाइगर हो गया। अब द टाइगर हमारा सिंगुलर है, सो यूज ऑफ वाज विद द टाइगर, और शॉर्ट का थर्ड फॉर्म शॉर्ट ही होगा। बाय लिखेंगे, और वाक का जो सब्जेक्ट था द हंटर है, इसको हम बाय के बाद लिखेंगे द हंटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पैसिव होगा, द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, राम हैज वॉच्ड अ मूवी। अब इसमें एक सहायक क्रिया है, टेंस की पहचान हमें करना है, तो सहायक क्रिया इसमें दिया गया हैज और है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती हैज और हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। पैसिव बनाने के लिए उसमें हम बीन जोड़ते हैं, कर्ता के अनुसार हैज बीन या हैव बीन का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा है अ मूवी, अ मूवी को हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। अब अ मूवी हमारा सिंगुलर है, तो हम इसके साथ लिखेंगे हैज बीन हो गया। अब हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो जो परफेक्ट टेंस हमारे होते हैं उन सभी में क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आया हुआ रहता है। यहाँ पे वॉच्ड है, तो हम वॉच्ड को लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था यहाँ पे राम है, तो राम को हम बाय के बाद लिखेंगे, क्योंकि राम एक नाउन है, तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरीके से पांचवें सेंटेंस की पैसिव होगी, अ मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय राम। अगला सेंटेंस हमारा है, आई डिपॉजिटेड द मनी।
अब हमें इसका पैसिव बनाना है, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई सहायक क्रिया नहीं है। हमने आपको बताया कि जब कोई सहायक क्रिया ना हो तो केवल दो ही टेंस को आप दिमाग में रखें। वह सेंटेंस या तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट। अगर वी टू आया है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म आया है, तो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर वी वन आया है तो वह हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी टू अगर आया है तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक होगा, अगर वी वन आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक होगा। तो यहाँ पे डिपॉजिटेड हमारा जो है वर्ब है जो कि वी टू है। अब हमने टेंस की पहचान कर लिया कि दिया गया सेंटेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, और हमने आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। अब हमको करना क्या है, पहला नियम है कि वाक के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है द मनी, द मनी को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लिए। अब द मनी चूंकि हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। फिर डिपॉजिटेड का थर्ड फॉर्म भी डिपॉजिटेड ही होता है, डिपॉजिटेड हो गया। फिर बाय लिखेंगे, और आई यहाँ पे सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस में हम बाय के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केज में लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा पैसिव वॉइस में द मनी वाज डिपॉजिटेड बाय मी। अगला क्वेश्चन हमारा है सिट डाउन प्लीज। यह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, यह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य हो और उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसकी पैसिव हम सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंस के अकॉर्डिंग जो है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू या यू आर ऑर्डर टू का यूज करके हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे सिट डाउन है और यहाँ पे एक वर्ड आया है प्लीज, जो बताता है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया बैठ जाइए। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए इसके अर्थ के अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया। अब यहाँ पे सिट डाउन है, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है क्योंकि टू के बाद भी वन आता है, इसलिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सिट डाउन प्लीज का पैसिव होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। यहाँ पे प्लीज का सेंस रिक्वेस्ट से था, इसलिए यहाँ पे प्लीज हट जाएगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम प्लीज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लीज से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया यू आर रिक्वेस्टेड टू और सिट डाउन आगे लिख दिया गया क्योंकि टू के साथ भी वन आता है। अगला सेंटेंस हमारा है सी सिंग्स आसांग, सी सिंग्स आसांग। इसमें भी कोई सहायक क्रिया नहीं है, अगर सहायक क्रिया होती तो टेंस को बहुत ही आसानी से हम पहचान लेते, लेकिन हमने आपको बताया कि जब सहायक क्रिया ना हो सेंटेंस में तो दो ही टेंस हो सकते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पहले हम देखें वी टू है कि नहीं, तो ये सिंग्स लिखा है तो वी टू नहीं है। अब जब वी टू नहीं है तो इसका मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब चूंकि यहाँ पे सिंग में यस लगा हुआ है तो यस इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस को ऐड किया गया है जिसको हम भी फाइव कहते हैं। तो इसकी पैसिव बनाना है जिसमें ऑब्जेक्ट असांग, असांग हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव के लिए इज एम आर का यूज करते हैं, तो असांग हमारा सिंगुलर है सो यूज ऑफ इज। थर्ड फॉर्म सिंग का होता है सिंग सैंग संग, यहाँ पे संग हो जाएगा, अदर वर्ड है नहीं, आगे बढ़ेंगे बाई। स
सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे सी था, बाय के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगा, हर फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का पैसिव होगा अ सॉन्ग इज संग बाय हर। अगला क्वेश्चन, हु टाट हर एस्टरडे, या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे हु हमारा जो है एक डब्ल्यू एच वर्ड है जो कि सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है, तो इसमें भी कोई सहायक क्रिया नहीं है, इसमें भी कोई सहायक क्रिया नहीं है। सहायक क्रिया कोई होती तो बहुत ही जल्दी हम पहचान लेते कि कौन सा टेंस है, लेकिन हमने आपको बताया कि जब सहायक क्रिया ना हो तो केवल दो ही टेंस को ध्यान में रखें, या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा या फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर वी टू है, अगर वी टू है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर वी वन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे टार दिया है, वी टू है क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, सेकेंड होता है टार्ट, थर्ड भी होता है टार्ट। इस तरीके से यह हमारा वी टू है। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है, तो पहले यहाँ पे हु है तो हु को हम चेंज करेंगे बाय होम में। बाय होम में चेंज करने के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया पैसिव बनाने के लिए वाज और वर का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, हर को जब हम आगे लाएंगे सी बनेगा, तो सी के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे वाज सी, क्योंकि हमें सहायक क्रिया पहले लिखना है। तो बाय होम वाज सी के अनुसार वाज हो गया सी। फिर इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, और यहाँ पे एक एडवर्ब है एस्टरडे, तो एस्टरडे का यूज हम कर लेंगे। एस्टरडे हमारा एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। भी थ्री को लिखने के बाद उसको हम लिख लेंगे और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का पैसिव होगा बाय होम वाज सी टाट एस्टरडे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस हमारा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, कितने विद्यार्थियों को तुम पढ़ाते हो। इसकी पैसिव हमें बनाना है, तो किसे पढ़ाने की बात हो रही है, विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात हो रही है। तो इस वाक का जो ऑब्जेक्ट है वो हाउ मैनी के साथ ऐड किया गया है, तो हमें इसकी पैसिव बनाना, तो हम इसको लिखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अनुसार हमें सहायक क्रिया का यूज करना है, तो टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज एम आर का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे आर, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। बाय लिखेंगे, बाय का यूज करने के बाद इस वाक का सब्जेक्ट था यू, पैसिव वाइज में इसको लिखेंगे बाय के बाद यू, तो हो जाएगा हमारा पैसिव हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टाट बाय यू।